तो फाइनली कल जो मैंने नई चीज स्टार्ट करी थी अपनी वीडियो में कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा फैंटेसी के बारे में, कुछ आपको लर्निंग्स दूंगा और आपको जो पूछना है पूछो, तो बहुत सारे लोगों ने भाई साहब कल मुझसे एक सवाल पूछा कल की वीडियो में कमेंट करके कि अनुराग भाई ये कैसे पहचाने कि कौन सा मैच इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, कौन सा मैच इन्वेस्टमेंट के लिए खराब है, खास करके स्मॉल लीग में। ठीक है, तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपको ज्ञान देता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा लर्निंग मिले, ज्ञान मिले, बाकी मैच की बात तो बाद में कर लेंगे। तो दो मिनट इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। देखो भाई क्या होता है, बहुत सारे मैच ऐसे होते हैं जहाँ पर बैटिंग ऑर्डर किसी का फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता की टीम में कोई भी बंदा कभी भी आ जाता है बैटिंग करने, कोई भी डिमोट होता है, कोई भी प्रमोट होता है। दिल्ली की टीम में भी किसी भी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो जब किसी ऐसी टीम का मैच हो जिसका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है तो वो मैच इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आपके जो प्रेडिक्शन है वो होते हैं बल्लेबाजों के बैटिंग ऑर्डर को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी कल सेम सीन हुआ, मैंने जो 11-12 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि मैं कल स्मॉलिंग में हारा, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई मेरे जो प्रेडिक्शन थे वो बैटिंग ऑर्डर को लेकर थे, समझ रहे हो। अब मैंने सोचा शायद 3 पे आएगा, शायद 3 पे नहीं आया, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक बार मैंने प्रेडिक्शन किया था कि दीपक हुडा रन मारेगा आज, बहुत बड़ा दिन होगा उसके लिए। उस दिन दीपक हुडा नीचे आ गया, स्टॉइनिस उसकी जगह पर आ गया, स्टॉइनिस ने सेंचुरी मार दी थी। एक दिन मैंने बोला हार्दिक पांड्या आज पक्का बल्लेबाजी अच्छी करने वाला है, और हार्दिक पांड्या जगह पर निहाल वधेरा आ गया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर आपको बैटिंग ऑर्डर, और ऐसा नहीं सिर्फ बैट्समैन में, बॉलिंग ऑर्डर में भी। फॉर एग्जाम्पल कल हर्षित राणा को मैंने बोला था विकेट लेगा टॉप ऑर्डर में, पावर प्ले में विकेट हर्षित राणा चटकाएगा, मगर हर मैच में हर्षित राणा पावर प्ले में बॉलिंग कराता था, स्टार्ट मिचेल स्टार्क के सामने वही करता था, बट कल वैभव अरोरा ने कर दिया और उसकी जगह विकेट मिल गया वैभव अरोरा को। तो ये बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर जब फिक्स होता है तभी वो उन टीम्स के मैच आपके लिए आसान होते हैं। जैसे आज के मैच है, आज का मैच बढ़िया लखनऊ का एमआई का, बैटिंग ऑर्डर फिक्स है, बैटिंग ऑर्डर में ये लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत थोड़ा फोकस किया करो गेम पे कि कैसा होने वाला है। और एक और चीज़ जिसमें आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, ये तो हो गया स्मॉल लीग की बात। अगर आपको लगना है ग्रैंड लीग में कौन सा मैच बेस्ट है, ग्रैंड लीग कौन से मैच में खेलने चाहिए, अब फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा हो गए, आज मैच जैसे रोहित शर्मा है, लोकेश राहुल है, ये सब बड़े इंडियन प्लेयर हैं, इनके साथ दुनिया जाएगी। क्विंटन डिकॉक का जो खराब फॉर्म है, 2 मैच से फ्लॉप हो रहे, वो देख के क्विंटन डिकॉक को लोग कम लेंगे, पूरन को शायद कम लोग ट्राई करें, है कि नहीं। रवि बिश्नोई के बारे में लोग कम जानते हैं, रवि बिश्नोई, पीयूष चावला को लोग कम लोग लेते हैं, मगर उनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, तो इनके साथ आप जाओ। आप केएल राहुल को ग्रैंड लीग में की आधी टीम्स में ड्रॉप करो, आधी टीम में आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करो, कुछ टीम्स में आप दोनों को ड्रॉप कर दो, ऐसे कमेंट्स में बनाओ। क्योंकि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऐसे जब बड़े प्लेयर, जब ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे जब बड़े प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो कॉम्पिटिशन होता है ग्रैंड लीग में वो भाई सब होता है सिर्फ मतलब 10% ही बचता है, 90% कंपटीशन आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि बड़े प्लेयर से क्या होता है, दुनिया जानती है गायकवाड़ बहुत बड़ा प्लेयर, राहुल, विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं, सब उनको तो अपनी टीम में लेंगे, मगर अगर वो फ्लॉप हो गए, वो आउट हो गए 10-20 रन के अंदर, वो फ्लॉप है, तो आपको तो आप बाकी की टीम बर्बाद हो गई ग्रैंड लीग की, आपकी टीम अभी भी जीवित है। तो ये चीज़ें होती है। और जब ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप किया करो तो ये भी सोचा करो सामने कौन आउट करेगा, ऐसे बॉलर्स को टीम में जरूर रखो, क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर आउट होता है तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि उनकी जो टीम होती है उसका कोलैप्स होता है। तो क्लास मतलब 2-3-4 विकेट झटके में गिरते हैं। तो एक बॉलर होता है जो मैच की शुरुआत में ही वो 2-3 विकेट ले लेता है, तो आप उस बॉलर को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से पहचाने आते हैं अच्छे मैच और बुरे मैच। बाकी अब आगे आपको और क्या क्या ज्ञान चाहिए आप कमेंट करके पूछो, जो भी आपके सवाल होंगे आज की कमेंट में बेस्ट क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, और कल की वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दूंगा फैंटेसी का, ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था भाई अलग से वीडियो बनाने का, तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे आपको नई चीज़ें सिखाता हूं फैंटेसी के बारे में और आप सीखो, ज्ञान लो। खैर चलो, बहुत बातें होगी भाई टिप्स की, लर्निंग्स की, बात करते हैं आज के मैच की। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, सबका एक एक लाइक, एक एक कमेंट होना चाहिए, आपको अपने छोटे भाई को प्यार देना, सपोर्ट करना। और हाँ, कल का मैच में हारा फैंटेसी में, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कल का मैच में हारा फैंटेसी में, तो आज मुझे भाई बदला लेना है, मुझे अपनी लॉस की रिकवरी करनी है। और बहती गंगा में आप लोग भी हाथ धो लो मेरे साथ, पूरा ज्ञान ले लेना इस वीडियो में मैच का, जो भी आपसे मैं सवाल पूछूं उनका जवाब देना, गिवअवे जीतना, और हर चीज़ सुनना, चाहे कोई भी चीज़ छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं कब बोल दूँ वो आपके लिए काम आ जाए, कौन सा एक प्लेयर आपका आज आपकी रात आज बना दे, है कि नहीं। तो पूरा ज्ञान लेना, आधी अधूरी वीडियो मत देखना, टाइम पूरा देना, जितनी आप मेहनत से शिद्दत से वीडियो देखोगे, जितनी आप जितने एफर्ट्स उठा के आप टीम बनाओगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सब्र करो, ये मैचेस क्रिकेट मैचेस ऐसे ही होते हैं, मज़ा आता है, एक चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को मतलब फेस करना मुझे पसंद है। तो स्टार्ट करते फिर आज के ऑडियो, आई होप आप लोगों ने लाइक कमेंट कर दिया होगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको फैंटेसी का पूरा ज्ञान मिलेगा, क्रिकेट का पूरा ज्ञान मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में पैसे कमी नहीं होगी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और आप अगर रेगुलर हमारी सारी वीडियोज़ देखते हो तो, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ऑडियो। एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, तुमको बहुत सारा ज्ञान दे दिया हमने, कल से तुम भी टीम बनाना। इंट्रो लगाओ, स्वागत करो मेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो के साथ बड़े स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 48 के बारे में, जो कि होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस बीच में। और भाई ये मैच खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या टीम न्यूज़ है दोनों टीम्स की, क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं दोनों टीम्स में, चेंजेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, बैटिंग ऑर्डर प्लेयर्स का हम डिस्कस करेंगे, पिच और ग्राउंड के बारे में बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको पता चले कि मैच कैसा होने वाला है। और आपको प्लेयर्स के स्टैट्स देंगे, वो किसी के रिकॉर्ड अच्छे हैं वो बताएंगे, किसी के रिकॉर्ड खराब हैं वो बताएंगे। फालतू रिकॉर्ड्स बता के आपका समय बर्बाद भी नहीं करेंगे। आपको मैं फैंटेसी की टिप्स दूंगा, किसको को अपनी टीम में लेना चाहिए, कब ड्रॉप करना चाहिए। प्लेयर्स के आपको मैचअप दूंगा, कौन कौन से बल्लेबाज कौन कौन से बॉलर्स के सामने परेशान होते आउट होते हैं आज को, तो कितने बॉलर हैं जो आज उनको आउट कर सकते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको उस प्लेयर को टीम में रखना है नहीं रखना, ठीक है। और बहुत अच्छा ज्ञान देने वाला हूँ आज भी मैचअप में। बाकी जो हमारे मैच की प्रेडिक्शन है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, और जो हमारी फैंटेसी टीम है वो भी आपको एंड में वीडियो में दिख जाएगी। मगर जो फैंटेसी टीम में भाई वीडियो में दूंगा वो टीम मेरी फाइनल टीम नहीं होगी, वो एक नॉर्मल इनिशियल टीम होगी। बट जिस टीम से मैं आज अपना 12 लाख का लॉस कवर करने वाला हूँ, जिस टीम से मैं खुद खेलने वाला हूँ, वो टीम मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना @anuragxcricket बिना स्पेस के, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। बस याद रखना असली चैनल आप ज्वाइन करो, ब्लू टिक लगा वेरीफाइड चैनल है, 17,35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े, आप भी आके जुड़ जाओ। और आज इस अपनी फैमिली को हम करते हैं 17,50,000 लोगों की फैमिली कर देते हैं, ठीक है। तो चलो आओ सब लोग न्योता हमारी तरफ से। बाकी बात करें गिवअवे भाई, तो कल के जितने भी लोगों ने गिवअवे के सही जवाब दिए, गिवअवे का सही आंसर था फिलिप सॉल्ट, सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे। फिर दूसरा जो आंसर था फिलिप सॉल्ट, सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने बनाए मैच में। और तीसरा जो जवाब था वो था वरुण चक्रवर्ती, सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए। तो ये तीन सवालों के जवाब जिन लोगों ने दिए उनके कमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और मैं बताऊं भाई, मैं 20 लोगों को ही प्राइज़ देता हूं, तो जो 20 लोग सबसे पहले सही आंसर करते हैं उनको प्राइज़ मिलता है। इसलिए बोलता हूं वीडियो को सुबह सुबह देख लिया करो, सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो इन लोगों ने 5,000 रुपये जीत लिए, अगर आपको भी जीतने हैं 5,000 रुपये तो आप भी पूरा वीडियो देखो। पूरे वीडियो में मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, उन तीनों सवालों का आपको जवाब देना है कमेंट करके, और जिस तरीके से मैं आज बताऊं उस तरीके से आपको कमेंट का जवाब देना है, तो कमेंट में जवाब देना है। तो अगर आपका जवाब सही रहा, आपका अगर तुक्का सही बैठ गया, आप भी जीत जाएंगे 5,000 रुपये और 20 लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। बस याद रखना कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वो बहुत ज़रूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, बाद वाला झंझट ही ना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं आज के मैच की। तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टीम न्यूज़। देखो लखनऊ के जो बॉलिंग कोच हैं आपके मॉनी मॉर्कल, उन्होंने बोल दिया है तो मयंक यादव फिट है और वो प्लेइंग 11 में डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी मुंबई की टीम भी अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट से मतलब कि परेशान है, बुमराह के सिवा कोई भी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहा उनके लिए। तो अगर गिराल कोटजी अगर फिट होते हैं तो वो वापस आ जाएंगे अपनी टीम में, और अगर वो फिट नहीं होते हैं तो शायद तुषारा की जगह पर आपको आकाश मधवाल को खेलते हुए देखने का मौका मिले। हो सकता है कि एमआई की टीम 8 इंडियन प्लेयर्स के साथ चली जाए, और क्योंकि मधवाल फिर भी यॉर्कर तुम्हारी ले रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। बट प्लेइंग 11 देने से पहले बता दो भाई, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग हर मैच में 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए के कॉन्टेस्ट फ्री में खेल सकते हैं विजन 11 पे, ठीक है। क्योंकि 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये की गिवअवे कॉन्टेस्ट तो हम अपनी वीडियो में ही दे देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर होते हैं। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग प्लीज़ जाके विजन 11 के ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर रेगुलर खेला करिए फ्री कॉन्टेस्ट। और हाँ, विजन 11 पर भाई एंट्री फीस स्मॉल लीग भी बहुत कम होती है, कमीशन ये लोग बहुत कम लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि कितना कमीशन आपसे कम लिया जाता है विजन 11 पर, और कितना ज़्यादा उनके ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपये का रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर, ठीक है। और हर मैच में यहाँ पर गिवअवे तो होता ही है। बाकी एक और सीक्रेट गिवअवे 1,00,000 रुपये का, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर 1,00,000 रुपये अगर कम कॉम्पिटिशन में 1,00,000 रुपये विन करने हैं तो आगे मैं जो चीज़ बताऊँ वो करना, 1,00,000 रुपये आप जीत सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले भाई बात करेंगे लखनऊ की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे लखनऊ के लिए। उसके बाद मार्कस टॉनी से दीपक हुडा है, निकोलस पूरन, एस्टन टर्नर को मैंने क्यों दिया है उसका रीज़न मैं आपको प्लेइंग 11 बताने के बाद समझाता हूँ। एस्टन टर्नर है, फिर कुणाल पांडे हैं, रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान है, मयंक यादव, यश ठाकुर है। ये होगी प्लेइंग 11 लखनऊ की। अब इसमें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद आयुष बदोनी को मौका दिया जाए या अमित मिश्रा को मौका दे, या फिर इसके भी चांस कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में भले टर्नर हो
और अमित मिश्रा इंपैक्ट प्लेयर के लिए के तौर पे आ जाएंगे, बॉलिंग करने आ जाएंगे। वैसे भी थक बहुत जल्दी आते हैं, सिर्फ बॉलिंग करके अपना स्पेल खत्म करके चले भी जाएंगे, ठीक है। ये फील्डिंग नहीं करेंगे ज़्यादा देर, जितनी देर ये बॉलिंग करेंगे उतनी देर ये फील्डिंग करेंगे, चीज़ याद रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बदोनी शायद हो प्लेइंग 11 में, हो सकता है कि लखनऊ की टीम भी 8 इंडियन प्लेयर के साथ चली जाए, तो आपको बदोनी प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगी, ज़्यादा चार्ज सोनी के हैं। बट मैंने लिख दिया एस्टन टर्नर ताकि हाईलाइट करूँ कि हाँ भाई इस बंदे को भी मौका मिल सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी मुंबई इंडियंस की अगर हम दोस्तों बात करें, रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करने वाले हैं, 3 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा है, फिर हार्दिक पांड्या, उसके बाद है निहाल वधेरा, उसके बाद टीम डेविड, मोहम्मद नाबी, पीयूष चावला, और हाँ गेराल्ड कॉर्जिया अगर फिट होते हैं तो लीक वुड की जगह पर वो आ जाएंगे, बुमराह तो खेलेंगे, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो अनुमन तुषारा आ जाएंगे बॉलिंग कराने, या फिर आकाश मधवाल खेलेंगे, ठीक है। और हो सकता है 8 इंडियन प्लेयर के साथ मुंबई की टीम भी खेले, आकाश मधवाल को मौका दिया जाए अनुमन तुषारा की जगह, ठीक है। ये होगी भाई बात प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं पिच की, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रोबो, ठीक है। अब भाई प्रोबो के बारे में बता दूं, मैं 2 दिन से प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ प्रोबो के, 3 दिन से अपने टेलीग्राम पे, बट वीडियो में तो दे रहा हूँ ना। हर आदमी बोलता है, शिकायत करता है भाई आप प्रोबो की प्रेडिक्शन है, भाई प्लेयर्स की प्रेडिक्शन देता हूँ वीडियो में, इतना सारा ज्ञान देता हूँ वीडियो में, है तो अपनी हर वीडियो में प्रोबो के कुछ 5-4-5 सवालों का जवाब देता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ, और क्या चाहिए तुमको। तो क्योंकि भाई इतने लोग पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है प्रोबो पर पैसा कमाना बहुत ही आसान है। क्या होता है भाई फैंटेसी में, तुमको 11-11 प्लेयर्स की टीम बनानी, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है, 11-11 खिलाड़ियों की किस्मत पर डिपेंड होना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर डिपेंड होना है। बट प्रोबो पर ऐसा नहीं है, प्रोबो पर क्या है, प्रोबो इंडिया का सबसे पहला सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बस अपने ओपिनियन देने, हाँ या ना में चल रहे सवालों के जवाब देने, अगर आपके जवाब सही होते हैं, प्रेडिक्शन अगर आपका सही हुआ, तो आप वहां से सीधे एक उस प्रेडिक्शन पर आप पैसे जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैच में एक सवाल है, निहाल वधेरा प्लेइंग 11 में होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो मैं इसमें करूंगा यस होगा। बाकी लखनऊ की टीम के आज के मैच जीतेगी, मुझे लग रहा नहीं जीतेगी, मैं इसमें कर दूंगा नो नहीं जीतेगी। मार्कस टॉइनिस, निकोलस पूरन, सूर्य कुमार यादव, ये तीनों खिलाड़ियों में से कौन कौन 25 रन बनाएगा, तो पूरन का तो मैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए करूंगा, टॉइनिस का तो मैं करूंगा, सूर्य कुमार यादव का भी करूंगा, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तीनों खिलाड़ी 25-25 रन बनाएंगे। मैं तीनों के सवालों पर यस यस कर दूंगा, 3 में से अगर 2 भी अगर बना दिए तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यस या नो में आंसर करना है, प्रेडिक्शन करना है और पैसे जीतने, बहुत ही सिंपल है। और बॉलर्स की भी प्रेडिक्शन आते हैं, ये बॉलर 2 विकेट लेगा नहीं लेगा, इतने 6 ओवर में इतने रन बनेंगे नहीं बनेंगे, 20 ओवर में इतने रन बनेंगे, 6 ओवर में इतने विकेट गिरेंगे नहीं गिरेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे सवालों की आपको प्रेडिक्शन करने हैं, जवाब देने हाँ या ना में और पैसे जीतो। अच्छी बात है कि आपको डिपॉजिट करने की जरूरत है नहीं, आप पहले जाओ प्रोवो का ऐप डाउनलोड करो, प्रोवो पर आपको 100 रुपये का रियल कैश मिल रहा है साइनअप करने पर, लिंक मैंने आपको दे दिया प्रोबो का अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करो, 100 रुपये जाके पहले फ्री मिलो, उससे खेलो, और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो डिपॉजिट करके मोटा इन्वेस्ट करना और मोटा कमाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पिच की। भाई मैच होगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, एवरेज स्कोर 165 का है, बैटिंग लिए अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि पहले स्लो होता था बट अभी अच्छा ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि रिलेट पिचेस में मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप से यहाँ की पिचेस काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। और बॉलिंग के लिए न्यूट्रल विकेट है, मतलब स्पिनर्स को भी ठीक ठाक विकेट मिलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी मिलते हैं, स्पिनर्स को इसलिए मिलते हैं क्योंकि भाई बड़ा ग्राउंड है। पिछले अगर 10 IPL के मैच यहाँ पर हम उठा के देखें, 10 मैच हो गए लखनऊ में, पिछले अगर हम 10 IPL के मैच यहाँ पर उठा के देखें, तो भाई पेसर्स को मिले 70 विकेट और फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को मिले 48 विकेट, ऑलमोस्ट 70-50 का वो है। बाकी डिफेंड बायस है, 11 मैचेस यहाँ पर टीम जीती है पहले बैटिंग करने वाली, और 6 बार यहाँ पर स्कोर चेस हुआ है, ठीक है। आराम से 180 रन की हम उम्मीद के लगा सकते हैं, कोई भी टीम पहले बैटिंग करे 180 रन आपको बोर्ड पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बैटिंग के लिए डिसेंट सी विकेट है, बैलेंस पिच है, तीनों डिपार्टमेंट को हेल्प मिलती है। और रेड और लाल मिट्टी पर मैच होगा या काली मिट्टी वाली पिच पर मैच होगा, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना, टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ये अपने लाइव शो पर बता दूंगा मैं, क्योंकि लाइव तो रहूंगा मैं टॉस के टाइम, कि कौन सी पिच पर मैच हो रहा है, ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल, ठीक है, क्योंकि यही पूरा मैच डिसाइड हो जाएगा। अगर पिच चेंज हो गई तो आपका समझ लो क्लीन स्वीप हो गया। बाकी हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की दोस्तों बात करें, 4 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच में, 4 में 3 मैच जीती है लखनऊ और 1 मैच जीती है मुंबई, ठीक है, और इनमें से 1 मैच लखनऊ में हुआ है, मुंबई और लखनऊ का, वो मैच लखनऊ जीती थी। बाकी की स्टैट्स की अगर हम बात करें, बट की स्टैट्स देने से पहले जो 1 लाख रुपये का सीक्रेट कॉन्टेस्ट में आप लोगों से बात कर रहा था, जी हाँ, 1 लाख रुपये का प्राइवेट कॉन्टेस्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को फ्री एंट्री मिलने वाली है और आप लोग वो कॉन्टेस्ट फ्री में खेल के 1 लाख रुपये जीत सकते हो। कैसे ज्वाइन करना बताता हूँ, मैं हर मैच में एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाता हूँ विजन 11 ऐप पर, जिसमें हमारी यूट्यूब फैमिली जाती है, कॉन्टेस्ट का कोड डालती है और कोड डालने के बाद फ्री एंट्री लेती है और 1 लाख रुपये विन करती है। आज के मैच का जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड है वो है टक्कर, TAKKAR, टक्कर TAKKAR। तो ये कोड आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस कोड को आपको यूज़ करना है, सिंपल सा है। विजन 11 पर जाओ, आज मैच की टीम बनाओ, वहाँ पर ये ऑप्शन आता है प्राइवेट कॉन्टेस्ट का या फिर क्रिएट प्राइवेट कॉन्टेस्ट का, ये दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करना, और इस पर क्लिक करके आपको कोड डालना है टक्कर, आपको
फ्री एंट्री मिल जाएगी 1,00,000 रुपये के कॉन्टेस्ट में। तो जाके पार्टिसिपेट करें, 1,00,000 रुपये फ्री में विन करें। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए होता है, बाकी बाहर के लोग इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और जिनके पास नहीं है विजन 11 का, आप डाउनलोड कर लें, लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट्स की बात करते हैं। भाई सबसे पहली चीज़, ईशान किशन ने 4 मैच खेले हैं लखनऊ के सामने और 95 रन्स हैं, जो कि ठीक ठाक नंबर्स हैं। और इस ग्राउंड पर ईशान किशन ने 3 मैच खेले हैं T20 मैचेस, और उसमें 3 मैच में 167 रन है, एवरेज 55 की है। तो ईशान किशन के भाई रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है ग्राउंड पर भी, और ठीक ठाक नंबर्स हैं लखनऊ के सामने भी। बाकी रोहित शर्मा ने 4 मैच खेले, 93 रन मारे हैं लखनऊ के सामने, इनके भी नंबर ठीक ठाक हैं। और 3 मैच खेले इस ग्राउंड पर और 3 मैच में 192 रन है। तो भाई इनके तो रिकॉर्ड बहुत ही तगड़े, 96 की एवरेज मतलब निकाल रहे हैं इनके रन, ठीक है। बाकी सूर्यकुमार यादव ने 4 मैच खेले लखनऊ के सामने, 4 मैच में 84 रन है, ठीक ठाक नंबर्स हैं। बाकी इस ग्राउंड पे 2 मैच में 33 रन है, और इस ग्राउंड पे T20 मैं बात कर रहा हूँ, 1 मैच इसमें इंटरनेशनल वाला भी, जो कि न्यूजीलैंड से मैच था, तो बहुत ही स्लो खेले थे तब, लेकिन पिच बहुत ख़राब थी बैटिंग के लिए। तो अभी तक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस इनका इस ग्राउंड पर नहीं रहा है। बाकी हार्दिक पांड्या ने 135 रन मारे हैं लखनऊ के सामने 4 मैचेस में, बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और ग्राउंड पे भी 2 मैच में 81 रन है और 1 विकेट है। तो हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड अच्छे हैं लखनऊ के सामने भी, ग्राउंड पर भी, बॉलिंग से नहीं बैटिंग से। बाकी लखनऊ की टीम के सामने तिलक वर्मा ने भी 3 मैच में 90 रन मारे हैं, और निहाल वजेरा ने 2 मैच में 39 रन मारे हैं, और टीम डेविड ने 2 मैच में 45 रन मारे हैं। तो इन लोगों ने एक ही एक मैच खेला है लखनऊ में, तो मैंने लखनऊ में क्या रिकॉर्ड इनका वो नहीं बताया, मैंने ये बता दिया लखनऊ के सामने ये जो जितने मैचेस खेले उसमें कैसा परफॉर्मेंस दिया, सबके परफॉर्मेंस अच्छी है नो डाउट। बाकी हार्दिक पांड्या ने रवि बिश्नोई को 25 गेंदों में 55 रन मारे हैं, तिलक वर्मा ने रवि बिश्नोई को 20 बॉल में 38 रन मारे हैं, और एक बार भी ये दोनों बल्लेबाज आउट नहीं हुए। तो ये तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ये 2 मुंबई के बल्लेबाज हैं जो रवि बिश्नोई के सामने स्ट्रगल नहीं करते हैं, बाकी जितने हैं सब के सब स्ट्रगल करते हैं, सब अपना विकेट फेंकते हैं, ठीक है। पीयूष चावला ने लखनऊ के सामने 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर भी 1 मैच में 1 विकेट लिया हुआ है। बाकी बुमराह ने 2 मैच खेले हैं लखनऊ के सामने, 1 विकेट लिया है, और 2 मैच खेले हैं ग्राउंड पर, 2 विकेट लिए हैं। केएल राहुल की बात करें, तो भाई केएल राहुल अब लखनऊ पे आ गए हैं, तो केएल राहुल का जो एवरेज है मुंबई के सामने 86 का एवरेज है, मतलब आईपीएल में अगर केएल राहुल का सबसे ज़्यादा अगर एवरेज है किसी टीम के सामने, तो वो मुंबई इंडियंस है, ठीक है। तो मुंबई के सामने बहुत तगड़े इनके रिकॉर्ड है, 52 के एवरेज इस ग्राउंड पर भी है, तो केएल राहुल के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं दोनों जगह पर। बाकी केएल राहुल का जो एवरेज है बुमराह के सामने 72 रन है, ठीक है, और 4 जो मतलब 72 रन बनाने के बाद आउट होते हैं बुमराह की बॉल पे, केएल राहुल इतना तगड़ा एवरेज है। बाकी आईपीएल में केएल राहुल की अभी तक का 4 सेंचुरी हैं, 4 में से 3 सेंचुरी मुंबई के सामने आई हैं, तो मुंबई के सामने अलग ही भूत सवार हो जाता है केएल राहुल के ऊपर। बाकी क्विंटन डिकॉक का जो एवरेज है वो 25 के आसपास का है मुंबई के सामने भी और ग्राउंड पर भी, और ये भाई साहब देखा जाए तो एक्स प्लेयर है, मुंबई के लिए पहले बैटिंग मतलब खेल चुके हैं क्विंटन डिकॉक। बाकी मार्कस स्टोइनिस ने 14 मैच खेले मुंबई के सामने, 14 मैच में 12 विकेट हैं, 250 रन है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छे भी नहीं, बॉलिंग से भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे हैं। और 12 मैच खेले ग्राउंड पे, 4 विकेट हैं और 238 रन हैं, तो ठीक ठाक नंबर है। और जिस नंबर पर आप बैटिंग कर रहे हैं 3 नंबर पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। दीपक हुडा की एवरेज उतनी अच्छी नहीं है मुंबई के सामने, 21 के एवरेज है, ग्राउंड पर भी उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, 11 मैच में 94 रन है। और निकोलस पूरन 8 मैच में 131 रन मारे हैं मुंबई के सामने, और 13 मैच में 197 रन है ग्राउंड पर, ठीक है, उतने खास रिकॉर्ड नहीं कि बहुत इंप्रेस करें, बट फिर भी बैटिंग फर्स्ट करते हो अपनी टीम में आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ये अटैक तो करेंगे, बुमराह इनको आउट कर सकते हैं, बट डेथ ओवर्स में अगर वो नहीं आउट कर पाए तो बाकी सबकी पिटाई कर लेंगे। कुणाल पांड्या ने 4 मैच खेले हैं मुंबई के सामने, 3 विकेट लिए हैं और 59 रन भी मारे हैं, और इस ग्राउंड पर 13 मैच में 11 विकेट हैं और 216 रन है। तो कुणाल पांड्या ने भी अच्छा परफॉर्म किया है मुंबई के सामने, नो डाउट ग्राउंड पर भी ठीक ठाक उनकी परफॉर्मेंस है। और ये भी भाई उन्होंने आईपीएल में अपना करियर स्टार्ट किया था मुंबई से, तो दोनों भाई मुंबई के लिए पहले खेलते थे। बाकी रवि बिश्नोई ने 8 मैच खेले मुंबई के सामने, 9 विकेट हैं, ग्राउंड पर 12 मैच में 13 विकेट हैं। और रवि बिश्नोई भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रवि बिश्नोई का जो मैचअप है वो मुंबई के 4 बल्लेबाजों के सामने है। भाई देखो, रोहित शर्मा को टीम डेविड को 2 बार आउट कर चुके हैं, ईशान किशन को सूर्यकुमार यादव को 3 बार आउट कर चुके हैं, तो 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको आउट करते हैं रवि बिश्नोई। तो रवि बिश्नोई आज आपके लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट भी बॉलिंग सेकंड भी। जैसे कल के मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, वैसे आज ये भी आपके लिए अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि बड़ा ग्राउंड है। बाकी मोहसिन खान ने 3 मैच मुंबई के सामने खेले, 3 विकेट लिए और 5 मैच में 4 विकेट लिए ग्राउंड पर, ठीक है। और मोहसिन खान ने जो मुंबई के सामने एक मैच खेला था लखनऊ में, वो मैच था, उस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बाकी यश ठाकुर 2 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं मुंबई के सामने, और 7 मैच में 11 विकेट ग्राउंड पर ले चुके हैं। ठाकुर भाई साहब कुछ नहीं करते, बट इनको विकेट मिल जाते हैं पता नहीं क्यों।
मयंक यादव ने 2 मैच खेलने ग्राउंड पे 3 विकेट लिए हुए और बहुत बढ़िया मतलब स्पेल डालते हैं मिडिल ओवर्स में। 2 मैच उन्होंने प्रूव किया था, बाकी उसके बाद चोट लग गई, आज अपना कम बैक करेंगे, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई बात स्टैट्स की, अब हम बात करते हैं मैचअप्स की। बट मैचअप्स की बात करने से पहले अपने गिवे का सवाल पूछते हैं। तो भाई गिवे का जो हमारा सवाल है वो ये है कि आज इस मैच में कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो फैंटेसी में टॉप 3 होने वाले हैं, फैंटेसी में जो टॉप जो सबसे गजब के 3 खिलाड़ी पॉइंट देने वाले हैं, उन 3 खिलाड़ियों का आपको नाम लिखना है और कमेंट कैसे करना है। जैसे मैं आपको ने मैंने स्क्रीन पर कमेंट किया है, इस तरीके से आपको सवाल का जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि आज हम उन लोगों को प्राइज़ देंगे जिनका ऑर्डर भी सही होगा। मतलब सब नंबर 1 पे आपको लिखना है जो बंदा सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला है फैंटेसी में, नंबर 2 पे आपको लिखना है जो बंदा उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, और नंबर 3 पे आपको नंबर 3 वाला प्लेयर का नाम लिखना है। तो गेस करो कौन से वो 3 खिलाड़ी होंगे जो आज फैंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं। तुक्का मारो, अगर आपको तुक्का सही बैठ गया भाई तो भाई मैं बता रहा हूँ 5,000 रुपये आपको विनिंग प्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, और मान लो कि आज 20 लोग विनर नहीं बनते, आज विनर बनते 5 लोग, तो भाई अगर 5 लोग विनर बन गए ना तो आपको तो हर बंदे को 20,000 मिलने वाले हैं 5,000 की जगह, कुल मिला के 1,00,000 रुपये का विनिंग प्राइस। अगर आप अकेले जीत गए, सिर्फ अगर आप इकलौते ऐसे बंदे हुए जिसने सही जवाब गेस कर लिया, तो भाई आपको जो है पूरे 1,00,000 रुपये मिलेंगे। तो 1,00,000 रुपये का विनिंग प्राइस है, जितने लोग विनर होंगे बांट दिया जाएगा, बट मैक्सिमम 20, ताकि एक बंदे के हिस्से में कम से कम 5,000 रुपये तो आए। ठीक है, तो तुक्का मारो, इस सवाल का जवाब दो कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राइस नहीं दूंगा मैं, इतना अच्छा मौका है हाथ से निकल जाएगा, तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और यार दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे बोलो वो भी तुक्का मारे, समझ रहे हो, बट उनको पूरी वीडियो दिखा देना, अगर वीडियो उन्होंने नहीं देखी तो चमटा पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं की मैचअप्स की। ठीक है, तो ये मैचअप्स की बात करो, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, रोहित शर्मा को अमित मिश्रा ने 90 गेंदों में भाई साहब 7 बार आउट किया है, ये बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, और रन भी ज़्यादा नहीं बनाया, 87 रन्स हैं। रोहित शर्मा को बिश्नोई ने 31 बॉल में 2 बार आउट किया, और इनके सामने भी रोहित शर्मा ने रन ज़्यादा नहीं बनाए, सिर्फ 34 हैं। मगर देखने वाली बात ये कि रोहित शर्मा ये जो बॉलर है कब आते हैं बॉलिंग करने, ये बॉलर कब आएंगे बॉलिंग करने, पावर प्ले के बाद, तो पावर प्ले के बाद आएंगे, पावर प्ले में तो रोहित को आउट करने वाला कोई नहीं है ना, सिवाय मोहसिन खान के। तो अगर पावर प्ले भी अगर रोहित शर्मा खेल गए तो 30-35-40 रन तो बना ही देंगे ठोक पिक के, तो इसलिए रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, जो मैचअप देख के डरना मत, ये इसको बोलते हैं एनालाइज करना, स्टैट्स को ऐसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, और देखो बताता हूँ, ईशान किशन को रवि बिश्नोई ने 21 गेंदों में 3 बार आउट किया है, और अमित मिश्रा ने 8 बॉलों में 3 बार आउट किया है, तो ईशान किशन के भी रिकॉर्ड बहुत ही गंदे हैं बिश्नोई और अमित मिश्रा के सामने, बट ये दोनों के बाद पावर प्ले के बाद आते हैं, रोहित शर्मा चाहेंगे दोनों ओपनर हैं तो आपके लिए टीम में इंपॉर्टेंट है, और ईशान किशन आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देने वाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। उसके कैप्टन वाइस कैप्टन ना करना, बहुत बड़ी पारी शायद दोनों ना खेल पाए, मगर टीम में जरूर रखना। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का जो मैचअप है वो सिर्फ और सिर्फ रवि बिश्नोई के सामने, बिश्नोई को मतलब 3 बार अपना इन्होंने विकेट दिया 32 गेंदों में, ठीक है, आउट हुए 3 बार। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सूर्य कुमार यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने फंसते हैं, तो बिश्नोई तो हैं सामने, लेकिन कुणाल पांड्या भी होंगे, तो कुणाल पांड्या भी सूर्य कुमार यादव को आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि सूर्य कुमार यादव आपके लिए टीम में सेफ प्लेयर तो हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है जिन्होंने मार्कस स्टोइनिस को 3 बार अपना विकेट दिया है 28 गेंदों में, तो ये भी है, और कोई कुछ खास है नहीं। हाँ, अभी अमित मिश्रा ने हार्दिक पांड्या को भी 14 बॉलों में 2 बार आउट किया और ज़्यादा रन नहीं दिए, तो ये, और हार्दिक पांड्या को उनके भाई कुणाल पांड्या ने भी परेशान किया, 23 बॉलों में से 14 रन 1 बार आउट भी किया है, और ये जो 1 बार आउट किया ना IPL में कुणाल पांड्या ने इनको, वो आउट किया था गुजरात का मैच था मुंबई से, मुझे याद है, हाँ नहीं गुजरात का मैच था लखनऊ से, और ये जो जब लखनऊ पहला सीजन खेल रही थी 2022 वाला IPL, हाँ उसमें था। बाकी उसके बाद टीम डेविड को भी आउट किया रवि बिश्नोई ने, 23 बॉलों में 2 बार, रन दिए सिर्फ 17। तो रवि बिश्नोई अमित मिश्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आज के मैच में। बाकी निहाल वधेरा और को आउट किया है 2 बार मोहसिन खान ने, 15 गेंदों में 24 रन देखे। KL राहुल को 2 बार आउट किया पीयूष चावला ने 19 बॉलों में, बट 32 रन भी मारे हैं तो स्ट्रगल नहीं है। बाकी क्विंटन डिकॉक को आउट किया पीयूष चावला ने 2 बार 14 बॉल में, रन दिए सिर्फ 9। तो क्विंटन डिकॉक के सामने एक दिक्कत है पीयूष चावला, और ये गिराल्ड कॉर्जिया ने भी आउट किया है क्विंटन डिकॉक को 17 गेंदों में 2 बार, मगर क्विंटन डिकॉक ने रन अच्छे मारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और बस पीयूष चावला से इनको संभालना पड़ेगा, पीयूष चावला आएंगे पावर प्ले के बाद,
तो क्विंटन डिकॉक ओपनर है, तो कम से कम अगर पावर प्ले भी खेलेगा तो अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे, तो आपके लिए सेफ है। बाकी मार्कस टोनिस और बुमराह का आप देख लो, मार्कस टोनिस को बुमराह ने आउट किया 44 बॉल में 4 बार, बहुत ही तगड़ा स्ट्रगल है। निकोलस पुरन को भी बुमराह ने 15 गेंदों में 2 बार आउट किया, तो बुमराह इन दोनों के सामने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई भाई बात प्लेयर्स की मैचअप्स की। अब बात करते हैं फैंटेसी की टिप्स की, बट फिर से बोल रहा हूँ जिन लोगों ने भी प्राइवेट कॉन्टेस्ट कोड नहीं देखा है देख लो, टक्कर है विजन 11 पर ही इस कोड का यूज़ करो, प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो इस ये कोड डाल के और 1 लाख रुपये फ्री में जीतो, ये कॉन्टेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं हम, जिनके पास नहीं है विजन 11 का आप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, तो भाई देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में जो 4 विकेट कीपर्स हैं चारों अच्छे ऑप्शन हैं, नो डाउट केएल राहुल ईशान किशन दोनों ओपन करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, आपके लिए सेफ पिक है, मस्ट पिक है समॉलिंग में। क्विंटन डिकॉक भी अगर पावर प्ले टिक गया आपको अच्छे खासे पॉइंट दे देगा, तो आपके लिए वो भी एक सेफ पिक है और जरूर लेना चाहिए। निकोलस पूरन बड़ा हिटर है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो, और वैसे बुमराह होंगे डेथमैन के सामने, बट फिर भी आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनको अपनी टीम में जगह दे सकते हो। बैटिंग सेक्शन में आ जाए सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट होंगे, तिलक वर्मा आपके लिए बैटिंग पहले करते हुए एक सेफ प्लेयर है। ठीक है, और तिलक वर्मा के सामने कोई स्ट्रगल भी नहीं है इस टीम में, तो तिलक वर्मा आपके लिए सेफ पिक है। और बाकी टीम डेविड और दीपक हुडा ये लोग स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो बैटिंग फर्स्ट करते हो ट्रम्प लेकर तौर पे यूज़ कर ट्राई कर सकते हो। निहाल वधेरा आयुष बदोनी बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, इनको आप स्मॉल लीग टीम में ना लें तो ही अच्छा होगा। ठीक है, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस टोनिस हार्दिक पांड्या दोनों ऑलराउंडर वाला रोल प्ले कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी पॉइंट दे रहे हैं, इनको लेना अपनी टीम में। कुणाल पांड्या अच्छा ऑप्शन है और स्पेशली अगर लखनऊ टीम पहले बैटिंग कर रहे जरूर पिक करना। ठीक है, बाकी मोहम्मद नाबी के ओवर कन्फर्म नहीं है, वैसे सामने लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी हैं, बट फिर भी अगर उनके ओवर कन्फर्म नहीं है तो मोहम्मद नाबी को मैं स्मॉल लीग में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ग्रांडी को अगर हम ट्राई करना तो कर लो। आगे बढ़ते बॉलिंग पिछले मैच, बुमराह को तो मस्ट पिक लेना ही है, बाकी रवि बिश्नोई के जो है मैचअप बहुत तगड़े हैं, सेकेंड इनिंग में सेफ पिक होंगे बॉलिंग करते हुए, बट मैं कहता हूँ भाई बॉलिंग फर्स्ट में भी ट्राई कर लेना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत एकदम हटके आपकी चॉइस होगी, परफॉर्म कर गई ना तो एक तरफा क्लीन स्वीप हो जाएगा। जैसे कल चक्रवर्ती को लोग मोस्टली सेकंड इनिंग में लेते, रिकॉर्ड उनके सेकंड इनिंग में अच्छे थे, मगर सामने जो मैचअप थे दिल्ली के प्लेयर सामने वो स्ट्रॉन्ग थे, और देखो फर्स्ट इनिंग में भी 3 खिलाड़ियों को उसने आउट किया। उसके बाद पीयूष चावला सेकंड इनिंग में आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं, बाकी यश ठाकुर मोहसिन खान तुषारा या आकाश मधवाल जो भी होते हैं ये चार गेंदबाज आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और मयंक यादव गैरल कॉडजिया अगर खेलते हैं तो ये 2 गेंदबाज ऐसे होंगे जिनको आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मिडल और ये विकेट टेकर्स हैं और पेस इनके पास बहुत अच्छी है, तो दोनों इनिंग में आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे। और अमित मिश्रा अगर खेलता है तो भाई इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में भी है, तो ग्रैंडलिंग में ट्राई जरूर करें, क्योंकि उसका प्ले ग्रेड में आना कन्फर्म नहीं है। अगर केएल राहुल ने मैचअप देखे रिकॉर्ड देखे होंगे तो पक्का आएंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग कराने, और स्मॉल लीग में क्लीनशिप को आपको करा सकते हैं, सभी प्लेयर्स को लगभग आउट करके बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि अमित मिश्रा फील्डिंग में नहीं कर पाते, जो भी उनका हाल है उम्र भी हो गई है, सिर्फ बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग अपना करके अपना 4 ओवर खत्म करके बाहर चले जाएंगे तुरंत, फील्डिंग ही पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शंस की, बट मैच की प्रेडिक्शन देने से पहले अपने फैंटेसी काउंटडाउन शो के बारे में बता दूं भाइयों, 6:30 बजे आ जाना लाइव शो पे, हमारा लाइव शो स्टार्ट हो जाता है 6:30 बजे, प्लीज़ आप लोग को मैं इनवाइट करता हूँ, अलार्म लगा लो, यूट्यूब खोलना, हमारे चैनल पे आना और लाइव शो हमारा चल रहा होगा 6:30 बजे, देखना आके, वहाँ पर आपके सवालों के हम जवाब देते हैं, आपके सामने हम टीम बनाते हैं, ग्रैंड लीग के आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं, तो सारे प्लेयर्स के जो टॉस के बाद अगर मेरे कोई प्रेडिक्शन में चेंज होता है वो आपको पता चलता है, टॉस के बाद आपके सामने टीम बनाते हैं, सही सलाह देते हैं कि बॉलिंग कितने बॉलिंग ऑप्शन है वो देख के, बैटिंग ऑर्डर देख के, पिच की रिपोर्ट देख के आपको फ्रेश प्रेडिक्शंस फ्रेश टिप्स मिलती हैं टॉस के बाद, तो प्लीज़ लाइव शो पे जरूर आना। ठीक है, बहुत अच्छा शो है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप भी आना। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता उनके लिए था, बाकी तुम लोग तो आना जो रेगुलर लोग देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शंस की, तो मेरा जो पहला मैच का प्रेडिक्शन है वो ये कि केएल राहुल मार्कस टोनिस ये 2 खिलाड़ी पक्का रन बनाने वाले हैं लखनऊ के लिए, और इनके साथ में पूरन या डिकॉक में से कोई एक चलेगा। ठीक है, उसके बाद इनके मुंबई के लिए मैंने सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा का दिया, हालांकि मेरा मन था कि मैं हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का दूं, मगर हार्दिक पांड्या वैसे भी सबकी टीम में होंगे ही, ठीक है, ऑलराउंडर हैं, तो मैं लिख रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा ये 2 खिलाड़ी मुंबई के लिए रन बनाने वाले हैं इस मैच में, और इनके साथ में रोहित शर्मा ईशान किशन में से कोई एक खिलाड़ी लंबा चलेगा, हालांकि स्टार्ट दोनों को अच्छा मिल सकता है क्योंकि पावर प्ले में आउट करने वाला कोई खास प्लेयर है नहीं, मोहसिन खान है बस जो कि रोहित शर्मा को चकमा दे सकता है, बट अगर उनको अच्छे से खेल लिया तो अच्छा स्टार्ट रोहित शर्मा दे देंगे इस मैच में भी। बाकी रवि बिश्नोई पक्का विकेट लेने वाला आज के मैच में लखनऊ के लिए, चाहे पहले बॉलिंग कराए चाहे बाद में, हाँ अगर लखनऊ अगर पहले बॉलिंग कराती है तो बिश्नोई के साथ में यश ठाकुर या मोहसिन खान विकेट लेंगे, अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग कराती है लखनऊ की टीम तो रवि बिश्नोई के साथ में कुणाल पांड्या या मयंक यादव में से कोई एक खिलाड़ी 2-3 विकेट लेगा। ठीक है, वही हाल मुंबई का है, मुंबई की तरफ से बुमराह मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बुमराह को पक्का विकेट मिलने वाले हैं, चाहे पहले बॉलिंग कराएं चाहे बाद में,
अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराती है मुंबई की टीम तो कॉट्जिया और पीयूष चावला को विकेट मिलेंगे, और अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है मुंबई की टीम तो तुषारा मधवाल में से जो भी खेलेगा वो बुमराह के साथ में 2-3 विकेट ले सकता है, ठीक है। बाकी मैच भाई मेरे हिसाब से मैच जीतेगी मुंबई की टीम, तो मैं जा रहा हूँ मुंबई के साथ, तो मेरी टीम है आज मुंबई और मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, कल क्योंकि मैं चेंज कर दिया था। हालांकि और आगे अब बात करते हैं हम फैंटेसी टीम की, भाई फैंटेसी की टीम जो मैंने इस मैच के लिए बनाई है आप देख लो आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, पर मैं बता दूं भाई सच बताऊं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, मुझे 12 लाख रुपए कल का जो मेरा लॉस हुआ है वो कवर करना है, तो बहुत अच्छी टीम सोच समझ के टीम बनाऊंगा, और आज मैं भी 25-50 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट नहीं खेलूंगा, मुझे अपना लॉस कवर करना है कल का, तो मैं 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेलूंगा, तो जितने भी लोग स्मॉल लीग खेलते हैं मेरी टीम से खेल सकते हैं आज मैच में। आज मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम अगर आपको कॉपी करनी है कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी टीम टेलीग्राम पर दे दूंगा टॉस के बाद, तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करिए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अगर नहीं काम कर रहा है तो टेलीग्राम पर सर्च करो @AnuragXCricket और आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक रहेगा वेरीफाइड चैनल है, ठीक है, असली चैनल से जुड़ना, 17,35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बाकी इस वीडियो में यही था, और ये जो मैंने आपको प्लेयर्स के प्रेडिक्शन दिए हैं इन प्लेयर्स की प्रेडिक्शन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो प्रोबो ऐप, जैसे मैंने बोला 24 राहुल रन बनाए गए तो 24 राहुल के 25-25 रन गैस कर दो, मैंने बोला सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा रन बनाए गए इनके 25-25 रन गैस कर दो, बुमराह और बिश्नोई के आप 2-2 विकेट गैस कर दो, मुंबई लखनऊ का वो सवाल चल रहा है ना ये वाला लखनऊ टू विन तो इसमें नो कर दो, तो ऐसे आप मेरे प्लेयर्स की प्रेडिक्शन का यूज़ करके प्रोबो पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके, तो जाइए प्रोबो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्रोबो का भी लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी टीम मैंने आपको विजन 11 की दे दी है, लिंक भी दे दिया विजन 11 का डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बचा गया। हाँ बाकी ये बात हमारे गिवअवे के क्वेश्चन की, तो गिवअवे का क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी वीडियो में पूछ चुका हूँ, तो उस सवाल का आप जवाब दीजिए, और हाँ फिर से बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैंने वीडियो में उसमें सवाल पूछते टाइम बोला है उसी तरीके से आपको सवाल का जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू लिखा तो आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला वैसे ही जवाब देना है सिंपल तरीके पे, ठीक है। तो चलो बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम 80-90,000 लाइक कर दो, तो प्लीज़ कर देना है, थोड़ा आप लोग मोटिवेटेड रखो मुझे ताकि लगातार हम लोग विनिंग्स हों, लगातार हम लोग प्रॉफिट बनाएं, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम के साथ, और 6:30 बजे मिलते हैं लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव शो पे, और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में धमाकेदार फ्रेश प्रेडिक्शन के साथ और टिप्स के साथ, ठीक है। तो चलो बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।